तो आप सुन रहे हैं संगीत और सत्संग के इस महापर्व के द्वारा निर्गुण भजन। जरा यमराज जी ठहरो, चार दिन और बसने दो। सोचिएगा, इंसान इस संसार में आकर के सोचता है कि मैं हमेशा यहां रहूं, लेकिन एक बात बताऊंगा प्यारे तुम्हें, बड़ी ही सुंदर बात है, आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक बात है। जैसा वजन और वैसी ही बात। मृत्यु के बाद एक आदमी ने देखा कि भगवान उसके पास आ रहे हैं और उनके हाथ में एक सूटकेस है। प्यारे, उसने देखा कि भगवान के हाथ में एक सूटकेस है। भगवान ने कहा, पुत्र चलो, अब समय हो गया। आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित होकर के आदमी ने जवाब दिया, अब इतनी जल्दी? अभी तो मुझे बहुत काम करने हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु अभी चलने का समय नहीं। आपके इस सूटकेस में क्या है? भगवान ने कहा, तुम्हारा सामान। आदमी ने कहा, मेरा सामान? आपका मतलब है कि मेरी वस्तुएं, मेरे कपड़े, मेरा धन आपके पास? भगवान ने प्रत्युत्तर में कहा, ये वस्तु तुम्हारी नहीं है, ये तो पृथ्वी से संबंधित है। आदमी ने पूछा, मेरी यादें होंगी तो? भगवान ने जवाब दिया, वे तो कभी भी तुम्हारी नहीं थी, वे तो समय की थी। सोचिएगा प्यारे, फिर तो ये मेरी बुद्धिमत्ता होगी। भगवान ने फिर कहा, वह तो तुम्हारी कभी भी नहीं थी, वे तो परिस्थिति जन्म थी। तो ये मेरा परिवार और मित्र हैं? भगवान ने जवाब दिया, क्षमा करो, वे तो कभी भी तुम्हारे नहीं थे। अच्छा, वे तो राह में मिलने वाले एक पथिक हैं। इंसान ने कहा, फिर तो निश्चय ही ये मेरा शरीर होगा। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, वह तो कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो राख है। तो क्या यह मेरी आत्मा है? इंसान ने कहा, तो क्या यह मेरी आत्मा है? नहीं, वह तो मेरी है। भगवान ने कहा, भयभीत होकर के आदमी ने भगवान के हाथ से सूटकेस ले लिया और उसे खोल दिया, यह देखने के लिए कि सूटकेस में क्या है। वह सूटकेस खाली था। आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मेरे पास कभी भी कुछ भी नहीं था। भगवान ने जवाब दिया, यही सत्य है, प्रत्येक क्षण जो तुमने जिस वही तुम्हारा था, प्रत्येक जो क्षण था वही तुम्हारा है। जिंदगी प्यारे क्षण कहे और हम वे ही क्षण खामा खा की बातों में गुजार देते हैं। सुनिएगा इस भजन के द्वारा कितनी सुंदर बात बताई गई है। हाँ तो सुनिएगा मेरे निर्गुण भजन के प्रेमियों, एक व्यक्ति को जब यमराज लेने के लिए आते हैं तो यमराज से किस प्रकार से कहने लगा है, यमराज जी मुझे चार दिन की मोहलत दे दो, और किस प्रकार से बताया इस भजन के द्वारा सुनेगा प्यारे। क्या बोला है, इंसान की मति और विचार कैसे हैं, सुनिएगा प्यारे।
जरा यमराज जी ठहरो चार दिन और बसने दो, चार दिन और बसने दो मुझे मोह माया के जंजाल में कुछ और बसने दो, मुझे कुछ और बसने दो। क्या कहने लगा है इंसान, कितना पागल हो चुका है, क्योंकि जब मौत का समय जो निश्चय है वो उसी समय पर आएगी और उस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी में टलने पाएगी। जरा यमराज जी ठहरो चार दिन और बसने दो, चार दिन और बसने दो मुझे मोह माया के जंजाल में और बसने दो, मुझे कुछ और बसने दो। सुनिएगा वो इंसान यमराज से क्या कह रहा है और एक एक शब्द को सुनेगा प्यारे, ये हालत हो गई है हमारी। विवाह रचाना है, क्या कहता है सुनिएगा प्यारे यमराज से, मेरे बड़े पोते की मंगनी हो गई, अभी मुझे विवाह रचाना है। अभी इस वर्ष पोती को मुझे डोली बिठाना है। अब विवाह रचाना है, अभी इस वर्ष पोती को मुझे डोली बिठाना है, मुझे परिवार मोह की, मुझे परिवार मोह की जंजीरें और कसने दो, जंजीरें और कसने दो। देखिए खुद इंसान मोह माया की जंजीरों में फंसने के लिए तैयार है और यमराज से क्या मांग रहा है कि मुझे चार दिन की मोहलत दे दो। लेकिन प्यारे जब समय आ जाता है ना, मौत आ जाती है, तो कोई भी बहाना नहीं चलता। क्यों सुबह सुख नींद अचानक, मौत एक दिन आएगी, लाख बहाने करेगा लेकिन संग तुझे ले जाए। और क्या बोला है इंसान सुनेगा प्यारे, समझता है कि मैं यहाँ सदैव रहूंगा, इसीलिए तो बड़े बड़े हैं मजबूत इंतजाम करता है।
पगड़ी मंगाई है। क्या बोला सुनिएगा, एयर कंडी स्नर कोटी अभी मैंने बनाई है। कितनी मजबूती से मकान बनाता है, समझ लो सोचता है कि मैं हमेशा इस मकान में रहूंगा, लेकिन प्यारे हजारों खर्च करके जी एक पगड़ी मंगाई है। एयर कंडी स्नर कोटी अभी मैंने बनाई है। नई कोठी में रहने के, नई कोठी में रहने के मजे कुछ और चखने दो, मजे कुछ और चखने दो। देखिए वो पागल इंसान किस प्रकार से अपराध से और क्या कहता है, सुनिएगा प्यारे, कैसी मति कैसे विचार हो गए हैं इंसान के। धन्य है रे वो भी अमराज से, जहां एक पल की छूट नहीं मिलती, चार दिन की तो बहुत बड़ी बात है। और क्या बोला है, खुशियाँ मनाऊंगा। हे प्रभु, मैं नाचूंगा गाऊंगा और मस्ती लूंगा। मैं पोते की इस शादी में बड़ा पैसा उड़ाऊंगा। मनाऊंगा मैं पोते की इस शादी में बहुत पैसा लगाऊंगा। मुझे स्वादिष्ट भोजन दी, मुझे स्वादिष्ट भोजन दी प्रभु, कुछ और खाने दो, मुझे कुछ और खाने दो। जरा यमराज जी ठहरो चार दिन और बसने दो, चार दिन और बसने दो। मुझे मोह माया के जंजाल में कुछ और फंसने दो, मुझे कुछ और फंसने दो, मुझे कुछ और फंसने दो।